हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी हम लोग फ्रेश हो चुके हैं। अभी मैं राव पूजने जा रहा हूँ, तो दिखाता हूँ आपको क्या क्या करते हैं हम लोग। गाइस, अभी हमने ऐसे चरण पादुका बना दी है और मम्मी अभी तीर्थ गए हैं, तो उसके लिए आज इसको चाव पूजना बोलते हैं इसको, तो आज हम पूजेंगे। और अभी देख दिखाते हैं आपको पूजन में क्या क्या करते हैं हम लोग। तो गाइस, जब हमारे घर से कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग जब तीर्थ यात्रा करने जाता है, तीन धाम यात्रा या चार धाम यात्रा, तो हम लोग परिवार के जो भी सदस्य जाते हैं, उनके बहू या बेटे दो में से किसी एक व्यक्ति को राव पूजना रहता है। तो यदि बहू उपस्थित होती है तो वह पूजती है, यदि बहू उपस्थित नहीं है तो फिर उनके लड़के को पूजना पड़ता है। तो आज अभी गुंजन की मम्मी यहाँ नहीं है, तो मुझे ही पूजना पड़ रहा है। और अभी पूजने के लिए सबसे पहले हमारे बुजुर्ग लोग जो बताते हैं कि सबसे पहले चरण पादुका बनाओ कुमकुम की, फिर उसका पूजन करने के बाद में हमें 15 दिन तक हमें जल आगे बढ़ते बढ़ते छींटना है। जब हमारे तीर्थवासी जब रिटर्न होते हैं वहाँ से, तो फिर हमें जल को घटाते घटाते अपने घर तक लाना है। अपने घर की दहलीज से शुरू करके हम गली तक छींटते हैं और फिर धीरे धीरे इनको 15 दिन तक हम लोग बढ़ाते हैं। 15 दिन के बाद वही प्रोसीजर हम वापस कम करते लाते हैं। तो कुछ ये थी राव छींटने की परंपरा।